प्याज की बढ़ती कीमतें आम आदमी को काफी परेशान कर रही हैं और इसे देखते हुए अब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार इसे कंट्रोल के जरिए, कंट्रोल की जो दुकानें होती हैं उसके जरिए बेचने की योजना बना रही है। ये कहना है प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का। उनके मुताबिक सरकार इस पूरे चीज के ऊपर नजर रखे हुए, कोई भी व्यापारी या बिचौलिया प्याज की कालाबाजारी ना करे। साथ ही ये कहा कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे सीधे जेल होगी। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश की वजह से प्याज खराब हो गई है, साथ ही आवक मध्य प्रदेश में कम है। ऐसे में प्याज इस समय प्रदेश में 70 से 100 रुपये किलो बिक रहा है। जिन व्यापारियों के पास प्याज है वो उनका स्टॉक करके रख रही हैं, प्याज को ऊंचे दाम पर बेचने की जुगत में है और इसीलिए मंत्री ने इस बाबत आदेश जारी किया है। और कालाबाजारी वगैरह कुछ भी होगा तो हम उनको 2 मिनट में छापामारी करेंगे। और मध्य प्रदेश में तो जनता का राज्य है, तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भी हालात पैदा नहीं होंगे। तो क्या जेल का रास्ता दिखाया जाएगा? बिल्कुल, आप देख लीजिए हर मुद्दे पे, मिलावटखोरी पे हमने लोगों को जेल पहुंचाया, जनता के हकों पे जिसने भी डाका डाला है उनको हमने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया है, ना आज करेंगे, ना कल करेंगे, ना परसों करेंगे। ये अभी हम रणनीति बनाएंगे और हमें ये विश्वास है कि हम मध्य प्रदेश में हमारी सरकार जो कंट्रोल कर सकती है पूरा करेगी और हम रेटों को नियंत्रण करेंगे।